के बाद मुझे कहा मैं कल जा रहा हूँ पंजाब, मुझे फलानी फलानी जगह जानी है, तो 3 दिन मुझे लगेंगे, 8-10 गाय खरीदनी है, 3-4 दिन मुझे लगेंगे। मैंने कहा कहाँ कहाँ दर दर घूम के गाय खरीद के लाएंगे। देन आई रिमेम्बर जब मैं थर्ड या फोर्थ क्लास का स्टूडेंट रहा होगा, तो एक संडे को मैंने देखा कि दादाजी सुबह सुबह 8 बजे तैयार है, कहीं जाने के लिए तैयारी में है, एक दो आदमी उनके साथ और थे। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो गाय खरीदने, घर के लिए गाय खरीदने जा रहा हूँ। तो मुझे ना कोई मार्केट होगा वहाँ कुछ खाने पीने को मिलेगा, मैंने भी चीज पकड़ ली, मैं भी चलूंगा। कृष्णा कामदन देवी ये पटियाड़ी में पड़ती है, ब्लॉक नगरी है। तो मैंने आज मेरे पास पहले भी कोई 30-32 गाय हैं डिफरेंट वैराइटीज़ की, HF है, गीर है, शाहीवाल है, जर्सी है। तो आज मैंने यहाँ 7 अभी तक ले ली हैं, तो शाम तक देखते हैं अगर कोई अच्छे पशु मिलेंगे तो और भी ले लेंगे। अच्छा, किस किस रेट में ये मिल रही हैं? ये मैंने ली है। हमारे पंजाब से आए सभी किसान भाई, जम्मू से, कठुआ से, सांबा से, किश्तवाड़ से, दूर दूर दराज से जो हमारे RGDS के बेनिफिशरी यहाँ पहुँचे हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सबका मैं ये मीडिया बंधु, हमारे किसान बोर्ड मेंबर हैं जो जहाँ पहुँचे हैं, जो आज के इस दिन की रौनक को बढ़ाया है, मैं दिल के गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। ख़ासतौर पर जो मेरी डिग्निटरीज हैं जिन्होंने अपने विचारों से हम सबको इनकर्ज किया है, और सर को ये विश्वास दिलाता हूँ कि टीम कठुआ से सक्सेस बनाना है, काफ़ी अच्छे कदम आपने उठाए हैं, अब तक कहाँ पहुँचे हैं? नहीं, आप देखिए जो हमने एक बीड़ा उठाया था कि हम मिल्क डेफिसिट स्टेट या UT नहीं रहेंगे, हमारे पास 30% मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होती थी, अगले साल तक ऊपर वाले ने चाहा तो हम 30% सरप्लस में होंगे। हमारी जो स्कीमें हैं इसके लिए, डेयरी सेटअप करने के लिए या कैटल फीड बनाने के लिए, काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया है डेयरी लगाने और दूसरे चीज़ें को लगाने के लिए। लेकिन एक समस्या जो आती थी कि डेयरी स्कीम अप्रूव होने के बावजूद हमारे लोगों को जाना पड़ता था पंजाब हरियाणा में, जगह जगह ढूंढ के अच्छी गायें लानी पड़ती थी। उस कमी को दूर करने के लिए ये एक रेगुलर बेसिस पर पशुधन व्यापार मेला का आयोजन किया गया है, और आपने खुद देखा है कितनी बेमिसाल किस्म की गायें आई हैं। शायद अकेला अगर हमें जाना पड़े ढूंढने के लिए तो इतनी गायों को देखते देखते हमें महीना लग जाए ढूंढते हुए और फिर डिसीजन करते हुए। तो ये एक लोगों के लिए अवसर है कि अच्छी से अच्छी गाय खरीद के चुने और अपने लिए खरीदें। तो बायर और सेलर मीट जो है ये अब हर महीने की पहली संडे को हुआ करेगी। अभी शुरुआती दौर में हमने कहा है कि कुछ हफ्ते जो है हर संडे को हो, उसके बाद ये हर महीने की पहली संडे को हुआ करेगी, जिससे कि हमें ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा सबको पता हो कि यहाँ पे बायर सेलर मीट लगना है इस तारीख इस दिन को, और ये लोगों के लिए काफ़ी एक लाभदायक चीज़ है। सर, हम देख रहे हैं कि जो पशुओं का नंबर है वो बढ़ रहा है, उसके लिए हेल्थ केयर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपको हमारी तरफ से हेल्थ केयर में कहीं नज़र आती है? आप हर साल सुनते होंगे पशु को बीमारी लगती थी, फुट एंड माउथ डिजीज और दूसरी, जिस ढंग से 2 दौर की हमारी वैक्सीनेशन हुई है, अभी दूसरे दौर की वैक्सीनेशन अभी चल रही है, लोग घर घर जाके हमारे डॉक्टर्स उस वैक्सीनेशन को अंजाम दे रहे हैं, और ये पहला साल है जब हमने कहीं से कोई शिकायत, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और अगर उसको एक प्रॉपर लीगल एंटिटी देके, एक कोऑपरेटिव में रजिस्टर करके और एक अच्छा बिजनेस मॉडल अगर हम अपने देहात में जो रहते हैं, हमारे किसान भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं, उनके लिए अगर खड़ा कर सके तो इसमें रूरल इकोनॉमी में बेटरमेंट होगी, उनके इनकम में इजाफा होगा। इसीलिए हमने टारगेट दिया हुआ है, हमने अपने जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ पे सभी DRs को ये हिदायत की है कि जो मिल्क डिस्ट्रिक्ट्स है, पर्टिकुलरली खासकर जम्मू डिवीज़न में मिल्क का जो कई डिस्ट्रिक्ट का सैचुरेशन बहुत अच्छा है, और जैसा सर ने आपको बताया कि उसमें बहुत स्केलिंग अप हुई है और हमारा मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ने वाला है, तो अगर मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा और अगर उसको हम ढंग से प्रोसेस करके या उसको हम मार्केट नहीं कर पाएंगे तो इसमें हमारे जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान होगा। इसीलिए इसको किसी ना किसी बिजनेस एक्टिविटी से लिंक करने के लिए कोऑपरेटिव्स में ढालने की ज़रूरत है, और
हमने अपने आप को टारगेट दिया है कि 300 से 400 मिल्क कोऑपरेटिव्स, हम 3 से 4 जो हमारी मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें मिल्क प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, कठुआ है, सांबा है, जम्मू है, इन वाली डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 300 से 400 मिल्क कोऑपरेटिव्स रजिस्टर करने का टारगेट अपने आप को हमने दिया है। इन सोसाइटी को किस प्रकार के बेनिफिट्स दिए जाएंगे ताकि फार्मर्स को फाइनली एनकरेजमेंट मिले और कोऑपरेटिव सोसाइटी